अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दरक्षा शुएब और लाई हूं आज आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी जिसका नाम है चिकन स्टेक विद क्रीमी मशरूम सॉस। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन है और कोई भी रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए इस रेसिपी को घर में ही ट्राई करें और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला मज़ा लीजिए। चलें देखते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिकन स्टेक। चिकन स्टेक बनाने के लिए हैं मैंने बोनलेस 4 पीस। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 1/2 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून। अब मैं ऐड करूंगी मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट लिया है मैंने हेंस कंपनी का, आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, और अगर मस्टर्ड पेस्ट अवेलेबल ना हो तो आप इसमें लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे चिकन में। चिकन की दोनों तरफ अच्छी तरह मसाला लगाना है ताकि सेम टेस्ट आए। मसाला लगाने के बाद 2 फॉर्क की मदद से अच्छी तरह चिकन में निशान लगाएं। इस तरह से करने से तमाम मसालों का जायका चिकन के अंदर चला जाएगा और एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये मैं बिल्कुल सिंपल स्टेक बना रही हूँ। आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक क्रश रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तमाम मसाला लगाने के बाद मैं इसको 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 1/2 आवर के बाद मैंने लिया है एक स्टेक पैन, उसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल। अब मैं स्टेक पैन में 4 पीस फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। अगर आपके पास स्टेक पैन अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। स्टेक को बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है ताकि अच्छी तरह अंदर तक से गल जाए। ऊपर से भी मैंने 1 टीस्पून ऑयल यूज़ करा है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पर पकाने में। अब ये देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है। मैंने इसमें थोड़ी सी और ब्लैक पेपर यूज़ करी है अपने टेस्ट के मुताबिक। चिकन अब 1/2 डन है, इसको मैं सबको टर्न कर दूंगी। चिकन को एक साइड से मैं 2 बार पकाऊंगी ताकि इसका अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए। अभी एक बार मैंने इसको डन किया, ये 1/2 डन था। उसके बाद जब इसका थोड़ा और पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर दोबारा इसको टर्न करूंगी।
मेरा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा टर्न कर रही हूँ ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। स्टेक बिल्कुल रेडी है, ये देखें इसमें एक अच्छा सा कलर आ गया है और लाइंस भी आई हैं। चलें अब तैयारी करते हैं क्रीमी मशरूम सॉस की। क्रीमी मशरूम सॉस के लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं मशरूम्स, ये मैंने टिन वाले लिए हैं और इसके साथ मैंने लिए हैं एक प्याज, दो लहसुन और थोड़ा सा हरा धनिया। सबसे पहले मैं मशरूम को लेकर उसको बारीक बारीक स्लाइस में काट लूंगी। उसके बाद मैंने लिए हैं दो अदद लहसुन, लहसुन को भी मैं इसी तरह बिल्कुल बारीक चॉप कर लूंगी। उसके साथ प्याज ली है, प्याज भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए और उसके बाद हरा धनिया। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक मैंने खुले बर्तन में लिया है बटर, बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है, मैंने लिया है 2 टेबलस्पून बटर। बटर को हमेशा लो फ्लेम पर गरम करते हैं और इसी तरह ये मैं पूरी सॉस लो फ्लेम पर बनाऊंगी। बटर मेल्ट होने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है लहसुन, लहसुन को अच्छी तरह लो फ्लेम पर फ्राई करना है और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटी हुई प्याज और उसको भी इसी तरह मैं फ्राई करूंगी जब तक कि प्याज का थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज फ्राई होने के बाद मैंने शामिल किए हैं इसमें मशरूम्स जो बारीक मैंने स्लाइस करे थे। इन मशरूम को भी इसी तरह अच्छी तरह फ्राई करना है हमें। ये देखिए मशरूम भी बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करा है इन सब चीज़ों को। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी क्रीम मिल्क, उसके साथ मैंने मिलाया है उसके अंदर चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं। क्रीम मिल्क और चिकन पाउडर डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़े से स्पाइसेस। मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून थाइम, इसके बाद ऐड करा है सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह सबको मिक्स करना है, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर। साथ साथ बारीक कटा हुआ धनिया। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये देखें लो फ्लेम पर पकाने के बाद इसको 5 से 7 मिनट मैंने लो फ्लेम पर पकाया है, ये इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा और ये हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन करने के लिए मैंने सबसे पहले एक प्लेटर में चारों स्टिक रख दिए अपने, उसके बाद मैं इसमें सॉस डालूंगी क्रीमी मशरूम सॉस, उसके साथ साथ मैं इसको हरा धनिया से डेकोरेट करूंगी और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। होप यू लाइक माय वीडियो, मस्ट ट्राई एट योर होम एंड सेंड मी योर फीडबैक ऑन इंस्टाग्राम।
लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।